हम हनुमते रुद्रात्मका हूं भट्ट, ओम ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः, ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रबद्धे, ओम ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः, ओम ह्रीं आपदाम हर्तारं दातारं चर संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति, हनुमान जी की उपासना कैसे करें, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। हनुमान जी कलयुग में भी साक्षात भगवान है, क्योंकि वह चिरंजीवी है, इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा से, उपासना से, मंत्र बोलने से और पाठ करने से फल की प्राप्ति अवश्य होती है और कष्ट भी दूर होते हैं, बीमारियां भी दूर होती है और भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नाद अब्बीस खब्बीस इन सब से भी आपकी रक्षा होती है। इसलिए जगह जगह अधिकांश तिराहे पर चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर मिल जाते हैं, परंतु हनुमान जी के मंदिर वह जागृत होते हैं जिन मंदिरों के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं होता है। हनुमान जी की मूर्ति को सिर्फ सेवक के अलावा दूसरा व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए। हनुमान जी को स्त्री के द्वारा टच नहीं करना चाहिए, स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए, वह मंदिर जागृत माना जाता है। तो ऐसे मंदिर में आपको पूजन अर्चन करना चाहिए जिस जगह स्त्री का प्रवेश वर्जित हो, साधारण मनुष्यों का भी प्रवेश वर्जित हो और अच्छे से रोजाना पूजन अर्चन होता हो। ऐसे मंदिर में जिस जगह हवन अवश्य होता हो वहां जाकर के आप अपनी यदि एप्लीकेशन लगाते हैं, यदि आप अपनी प्रार्थना बोलते हैं, यदि आप अपनी समस्या बताते हैं तो वो समस्या भी वहां सुनते अवश्य हैं। यदि हनुमान जी दक्षिणमुखी हो, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, तो ऐसे हनुमान जी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए और उस जगह बैठ करके जप भी करना चाहिए तो बहुत फायदा होता है। तो कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और जो व्यक्ति रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, रोजाना 11 तो उसके धीरे धीरे उसके शरीर में यदि प्रेत बाधा है तो प्रेत छोड़ करके चले जाएंगे, पर नियमित रूप से एक निश्चित समय पे घी का दीपक लगा करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक ही स्थान पर बैठ करके एक ही समय में करना है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। तो माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त को कोई बंधक नहीं बना सकता है और उस पर जेल जाने की नौबत भी नहीं आती है। मान्यता है कि गलती होने पर जेल हो जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति यदि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ 41 दिन तक कर ले और यह संकल्प करे कि वह भविष्य में कभी बुरे काम नहीं करेगा तो हनुमान जी की कृपा होने पर उसका संकट दूर हो जाता है और जेल से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जेल जाने के योग हो, यानी जेल यात्रा का मतलब द्वादश स्थान यानी 12वां भाव जो होता है, उस 12वें भाव में कुछ ग्रह इस प्रकार के बैठे हो कि जेल यात्रा होने की संभावना हो, तो उस मनुष्य को रोजाना हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का हवन करना चाहिए और रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए जिससे उसे जेल जाने की नौबत नहीं आती है। हनुमान चालीसा का संकल्प, पाठ का संकल्प लेके 41 दिन का कम से कम पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी का एक पाठ उनके भक्तों को उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है और शत्रुओं को दंडित भी करने में मदद करता है। यदि आपके शत्रु हैं तो आप हनुमान चालीसा का हवन अवश्य करें, इससे शत्रु दूर भी हो जाएंगे और शत्रुओं को नुकसान भी पहुंचने लगेगा।
बशर्ते कि आप में नियम होना चाहिए कि मंगलवार का व्रत उपवास रखें, मंगलवार के दिन स्त्री से दूर रहना है, मंगलवार के दिन मांस शराब और पराई स्त्री और अपनी स्वयं की स्त्री से भी दूर रहना है, और चरित्रता विशेष तौर से बना के रखना है। कहा जाता है कि एकाग्रचित होकर 27 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को उनके शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, अथवा शत्रुओं को उनके किए गए गलत कर्मों का दंड मिलने लग जाता है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ भी इसी प्रकार से संकल्प लेकर के करना चाहिए। हमने कई बार ये बताया है कि संपूर्ण बजरंग बाण, जिसके अंदर कम से कम 14 चौपाई छोटी हुई है, वो 14 चौपाई भी हमने जोड़ करके बजरंग बाण प्रस्तुत किया है। जो बाजार में बजरंग बाण मिलता है वह अधूरा बजरंग बाण मिलता है, आप चाहें तो वह पूरा बजरंग बाण हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साधना सिद्धि नामक किताब में वह संपूर्ण बजरंग बाण हमने दिया हुआ है, आप यह किताब अवश्य मंगाएं। 9893128047 और 7649862712। हनुमान जी की उपासना से निरोगी काया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। विधान है कि शुद्ध जल का बर्तन सामने रखकर 27 दिनों तक प्रतिदिन हनुमान बाहुक का पाठ करने से कंठ रोग, गठियावाद, जोड़ों का दर्द रोगों से मुक्ति मिल जाती है। शुद्ध जल को प्रतिदिन पाठ करने के बाद पीना है और रोजाना पात्र को शुद्ध जल से भर के रखना है। यदि किसी मनुष्य का आत्मविश्वास घट रहा हो, विल पावर कम हो रही हो, परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हो, काम नहीं बन रहा हो, तो ऐसे समय में सुंदर कांड का पाठ रोजाना करना चाहिए। माना जाता है कि सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी की विजय गाथा है उसके अंदर, और उनकी विजय गाथा बोलने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। परंतु ये सब काम जो किए जाएं, घी का दीपक लगा करके किए जाएं, और घी जो है गाय का घी होना चाहिए, अन्यथा तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हो। हनुमान साधना या हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्त्री के मासिक धर्म के जितने भी नियम हैं उन सब का पालन घर में होना चाहिए, अन्यथा पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। कहने का अर्थ मेरा यहां पर है कि हर एक के घर में पत्नी होती है, मां होती है, बहन होती है, बेटी भी होती है, बहुएं भी होती है। ये सब स्त्रियां मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, माह के 3 दिन इनकी अशुद्धता चलती है। उस अशुद्ध अवस्था में किसी भी स्त्री के द्वारा रसोई घर में यानी किचन में जाकर के भोजन बनाना नहीं चाहिए 5 दिन तक, तो ही आपकी हनुमान जी की साधना या हनुमान जी की कोई संकल्प आपका ये तभी सफल होगा, अन्यथा सफल। यदि आप अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हो और हनुमान जी का दर्शन रोज भी करते हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अशुद्ध भोजन करते हो, सूतक पातक वाला भोजन करते हो, तो आपको कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि किसी गुरु ने बोला था तो हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कड़ाई से नियम का बात कर रहा हूं कि घर के अंदर मासिक धर्म की अवस्था में किसी भी स्त्री के द्वारा भोजन तैयार नहीं किया जाना चाहिए। जब वह अशुद्ध अवस्था में रहती है तब और भोजन नहीं बनना चाहिए। और यदि कोई हनुमान जी का साधक है तो उसे दूसरों के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों को बचपन से भूत प्रेत और अंधेरे से डर लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी का एक चमत्कारिक मंत्र है, हम हनुमते नमः।
हनुमान जी का यह मंत्र सोने के पहले जप करना चाहिए। मंत्र जप के पूर्व शरीर को साफ पानी से धो लें और इस मंत्र के नियमित जप करने से भय अपने आप दूर होने लगता है और व्यक्ति निर्भीक बन जाता है, बशर्ते कि स्त्री के साथ नहीं सोना है। हम हनुमते नमः। घर में सुख शांति का संचार करने के लिए भी हनुमान जी का उपाय किया जा सकता है। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार, 21 बार या 27 बार अवश्य करना चाहिए और 27 दिन के बाद मंदिर में हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के बहुत से शाबर मंत्र भी हैं जो भक्त की पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। और शाबर मंत्र बहुत जल्दी काम भी करते हैं और शीघ्र समाधान भी होता है। तो इस शाबन मंत्र का प्रयोग करके जब भी करें तो मनुष्य को अपने खान पान की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, अन्य बुराइयों से दूर रहना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए और जब हनुमान जी की साधना चलती है उस दौरान स्त्री से, स्वयं की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। और शाबन मंत्र जो भी करें उसका पूरा विधि विधान किसी जानकार से पूछ करके ही प्रारंभ करें और किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी गलती होने पर पागल कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी से जब भी कोई भी साधना करें, हनुमान जी की उपासना करें, स्त्री विशेष तौर से, और शुद्धता अशुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को जो इष्ट मानने वाले भक्त को रोजाना उनकी पूजा उपासना और पाठ करना ही चाहिए। हनुमते नमः ये जप करना चाहिए। रोगों से बचाव करने के लिए यदि कोई मनुष्य रोगी है और हनुमान जी का भक्त है तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये वाला मंत्र बोल करके भी हवन करना चाहिए जिससे उसकी बीमारी दुखी ठीक होने की संभावना बनती है। परंतु आप लोग कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, आप कहेंगे हम जप कैसे करें, हमने कभी जप नहीं किया है, हर जगह रोड़े अटकाने का काम करोगे। मनुष्य को स्वयं कुछ करना चाहिए। पंडित जी से कराओगे, पंडित जी शुद्ध है अशुद्ध है सूतक पातक में है मालूम नहीं है, जर्दा चूना खा करके कर रहे हैं यह आपको नहीं मालूम है, उच्चारण सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह आपको नहीं मालूम है, इसलिए कई बार फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो भी काम करें हनुमान जी से संबंधित, किसी भी देवी देवता संबंधित, खुद करें तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस मंत्र का लगातार जप करें, हवन करें। हवन कैसे करें यह मैंने आपको पहले बताया जा चुका है। और हनुमान जी का जो मूल मंत्र है ओम राम रीम रम रेम रोम रम रह, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, इस मंत्र का जप करके भी आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम हनुमते रुद्रात्म का हुम फट यह वाला मंत्र भी आप बोल सकते हो। बहुत फेमस मंत्र है और बहुत साधारण सिंपल मंत्र है और पावरफुल मंत्र है। हम हनुमते रुद्रात्म का हुम फट, इस मंत्र के बारे में शास्त्र में वर्णित है कि यह मंत्र स्वतः शिव जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था और श्री कृष्ण ने यह मंत्र अर्जुन को सिद्ध करवाया था, जिसे अर्जुन ने चर अचर जगत को जीत लिया था। इसलिए हम हनुमते रुद्रात्म का हुम फट इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रेत बाधा दूर यदि करना हो
तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत आदि सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यदि आप प्रेत बाधा से पीड़ित हैं तो हनुमान जी के बहुत से जो मंत्र हम बोल रहे हैं इनमें से कोई भी मंत्र लेकर के लगातार जप करते रहें। हो सकता है रोजाना आपको 1000 मंत्र भी जप करना पड़े तो जप करें, इससे भी प्रेत बाधा स्वतः शरीर छोड़ करके चली जाती है। और मंत्र जो है हनुमान अंजनी सुतो वायु पुत्र महाबला अकस्मात उत्पात नाश यासु नमस्तुते। जब भी हनुमान जी का काम करें संयम से रहें, शराब मांस मदिरा पराई स्त्री से दूर रहें, घर में हवन अवश्य करें, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष माला से जप करें, हो सके तो लाल आसन पर ही बैठें और शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें। और यदि आप कई मुसीबतों में फंस गए हो तो मुसीबतों से दूर करने के लिए भी हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। सबसे बड़ी बात है कोई भी साधना करें शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें और संकटों को दूर करने के लिए रोग हरने के लिए वशीकरण करने के लिए सबके लिए हनुमान जी के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। आप उन मंत्रों का जप करें और हवन अवश्य करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इसको भी जप कर सकते हो आप। कोई भी काम करें हनुमान जी का संबंधित देवी देवता से संबंधित तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है, काले वस्त्र नीले वस्त्र का त्याग करना है। इसके बाद अपने माता पिता गुरु इष्ट कुल देवता इन सब का नमन करें और कुश का आसन यदि हो तो बहुत अच्छी बात है वो ग्रहण करें। हनुमान जी की प्रतिमा हो तो ठीक, प्रतिमा ना हो तो तस्वीर रख लें। भारत के हनुमान जी रख सकते हो, स्फटिक के रख सकते हो, और आप इनका जप कर सकते हो। हनुमान जी कलयुग के जीवंत देवता हैं, भक्तों का हर कष्ट दूर करते हैं और मनोकामना पूरी भी करते हैं। महाबलाय वीराय चिरंजीवी ने उद्यते हारी ने व्रज देहाय चोलंगित महाव्यय। हनुमान जी के अहम हनुमते नमः वायुपुत्राय नमः रुद्राय नमः अजराय नमः अमृत्युवे नमः वीरवीराय नमः वीराय नमः निधिपतये नमः ओम वरदाय नमः ओम निरामयाय नमः ओम आरोग्यकर्ते नमः। इस प्रकार से हनुमान जी के इन नामों का भी आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। माह में एक बार यदि हो सके तो अखंड रामायण का पाठ करते रहना चाहिए। केले बेसन के लड्डू तुलसी पत्र हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। पान चना चिरौंजी नारियल गुलाब के फूल ये हनुमान जी को बड़े पसंद हैं। प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाना चाहिए। ऋण मुक्ति के लिए अकाऊ आंकड़ा अकाऊ के पत्ते की माला व तुलसी दल की माला सूर्यास्त के पहले चढ़ाना चाहिए। चौमुखी उड़द के आटे का दीपक चमेली के तेल का दीपक बड़ के पत्ते पर रखकर सूर्यास्त के समय पर लगाना चाहिए। आप खंड दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। माह में एक बार श्री हनुमान जी के नाम से हवन करना चाहिए और श्री राम जय जय राम की धुन ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए हनुमान जी के सामने।
और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ भी कभी कभी करते रहना चाहिए, मंदिर के ऊपर जहाँ भी आप पाठ करें लाल ध्वजा लगी हुई होना चाहिए, मंदिर के अंदर एक कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी के सामने राम दरबार भी हो तो बहुत अच्छी बात होती है, और हनुमान जी के सामने एक हवन कुंड भी बना हुआ होना चाहिए जिसमें आप हवन कर सकें। ओम मनोजो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ये। इसका अर्थ यह है कि वह जो मन की गति से भी तेज है, जो वायु से भी ज्यादा बलशाली है, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, जो बुद्धि में सबसे आगे हैं, जो वायु के पुत्र हैं, जो वानरों के में प्रमुख हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस भक्त श्री हनुमान जी की शरण में जाता हूं। ये इस मंत्र का अर्थ है, क्योंकि कोई भी मंत्र आप करें आपको उसका अर्थ याद होना चाहिए, तो आपको बोलने में भी आसानी होगी और पाठ करने में भी आनंद आएगा। ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रबध्ये। मैं पुनः उसका अर्थ बोल देता हूं कि वह जो मन की गति से भी तेज है, जो वायु से भी ज्यादा बलशाली है, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, जो बुद्धि में सबसे आगे हैं, जो वायु के पुत्र हैं, जो वानरों में प्रमुख हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस भक्त श्री हनुमान जी की शरण में जाता हूं। राम भक्त श्री हनुमान जी को कोई दादा कहकर के पुकारता, सबके अलग अलग नाम है, कोई पवन पुत्र कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई कपीश नाम से बुलाता है, महावीर हनुमान भी बोलते हैं। इसलिए उनको जिस नाम से भी बुलाया जाए वो अपने भगत के ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। तो श्री हनुमान जी को सूर्यदेव का भी वरदान मिला हुआ है, यमराज जी का वरदान है, कुबेर जी का वरदान है, भोलेनाथ का वरदान है, विश्वकर्मा जी का वरदान है, देवराज इंद्र ने वरदान दिया, वरुण देव ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तपस्या में लीन मुनि ऋषि मुनियों ने वरदान दिया, शक्तियों की याद दिलाई है, और सीता जी ने वरदान दिया है, और कलयुग में हनुमान जी की आराधना का वरदान है, और भगवान श्री रामचंद्र जी का वरदान है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का वरदान श्री हनुमान जी को प्राप्त है, इसलिए हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कलयुग में भक्तों की सभी समस्याओं को सुनते भी हैं और समस्याओं को दूर भी करते हैं, और श्री हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन ये भी दूर हो जाते हैं। हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः, 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 हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, 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 ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ये वाला जो मंत्र है ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ये जब भी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस समय इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा।